हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं कपिल का देन योर साइंस गुरु जी। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे क्लास टेंथ साइंस स्टूडेंट्स के लिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू यू स्कोर ए 95% इन योर बोर्ड एग्जाम्स। तो कैसे आप 95% लेके आ सकते हैं अपने लास्ट 3 मंथ्स के अंदर। तो क्या बेस्ट स्ट्रेटजी आपने बनानी है, किस प्रकार के टॉपिक को आपने मेन इंपॉर्टेंट फोकस में डालना है, तो वो टोटल डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और जो भी नए फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं कपिल कादियान सर के नाम से। वहां पर भी मैं काफी कुछ इंपॉर्टेंट हैंड रिटन नोट्स प्लस जो भी हमारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उन सबके लिंक प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो बच्चों आज हम बात करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है हमारी डेट शीट अनाउंस हो चुकी है, तो हम डेट शीट के अकॉर्डिंग यदि बात करें तो हमारे पास 3 मंथ्स हैं। तो किस इन 3 मंथ्स के अंदर हम किस प्रकार से हमने साइंस को पढ़ना है, क्योंकि कुछ बच्चे अभी भी रियलिटी में 95% पर स्टैंड नहीं कर रहे होंगे। कुछ बच्चे 20 पे भी होंगे, कुछ 30 पे होंगे, कुछ 45 पे होंगे, कुछ 60, कुछ 70 पे। तो कैसे आपने मैनेज करना है इन लास्ट 3 मंथ्स के अंदर। तो हमने स्कोर लेके आना है 95, और यदि आप 100 लेके आना चाहते हैं तो आपकी तरफ से हमें बहुत एफर्ट की जरूरत है। तो रियलिटी में मैं आपकी काफ़ी कुछ हेल्प करने वाला हूँ अपने इन लास्ट 3 मंथ्स के अंदर, क्योंकि आपका एक भी मार्क्स मिस ना हो। तो सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि आपके पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, क्योंकि यदि अब की बात करें 70% सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा जो पैटर्न रहेगा बोर्ड एग्जाम्स का काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। अब की बार हमारे पास 2 मार्क्स क्वेश्चन आने वाले हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं, केस स्टडी आने वाली है, एजेसन रीजन वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं, प्लस 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स। अब की बार जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे वो काफ़ी रिड्यूस कर दिए गए, ओनली 3 क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम्स में हमें मिलेंगे। उसके बाद बच्चों सबसे पहले आपको एग्जाम्स पैटर्न का पता होना चाहिए कि किस प्रकार का पैटर्न रहेगा हमारी साइंस के अंदर। आफ्टर दैट एनसीईआरटी इज द की। अब देखिए मैं सबसे पहले भी कह चुका हूं कि जो हमारा साइंस का पेपर बनता है बच्चों, वो साइंस का पेपर हमेशा एनसीईआरटी बुक्स बेस्ड होता है। एनसीईआरटी से बाहर आपका कोई भी पेपर नहीं होता। और बच्चे क्या मिस करते हैं वो मैंने बोर्ड पे आप सभी के लिए डिनोट किया है यहाँ पर, कि इनटेक्स्ट क्वेश्चन, कि जो हमेशा हमारे जो सीबीएसई एग्जामिनर होते हैं वो जो क्वेश्चन पुट करते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, वो सारे इनटेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं। तो बच्चे एक्सरसाइज क्वेश्चन करते हैं, दैट्स ऑल इन गुड, पर इनटेक्स्ट क्वेश्चन को मिस कर देते हैं। तो बच्चों एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट क्वेश्चन को आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना यार, 100% क्वेश्चन यहीं से आते हैं। एंड आफ्टर दैट अभी भी इन लास्ट 3 मंथ्स के अंदर अपनी एनसीईआरटी को पढ़े, और उसके बाद अंडरलाइन कीजिए हर एक छोटे छोटे टॉपिक्स के अंदर, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा क्या दिया होता है भाई कि एनसीईआरटी के अंदर बच्चों आपको समरी मिलेगी, एंड आफ्टर दैट कुछ येलो कॉलम्स मिलते हैं, उन येलो कॉलम्स के अंदर से ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में पुट किए जाते हैं। उसके बाद इंटेक्स क्वेश्चन और हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले, तो इन क्वेश्चनों में से आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। मैं 100% आप सभी को कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि यार जो एनसीईआरटी से बाहर कोई क्वेश्चन आया, तो सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो एनसीईआरटी बुक को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर पढ़ें बच्चों। तो उसके बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे चैप्टर हैं यार जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से होते हैं, क्योंकि हमारे क्लास टेंथ साइंस के अंदर बच्चों 80/20 रूल फॉलो होता है। अब इस 80/20 का क्या मेन फंडा है, मैंने पहले भी आप सभी को बताया था कि कुछ हमारा इतना इंपॉर्टेंट सिलेबस होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो कि 20% के अंदर से 80% हमारा पेपर बन जाता है। इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आप सभी को बता दूं कि जैसे एग्जांपल करते हैं हम लाइव प्रोसेस चैप्टर लेके चलते हैं। अब लाइव प्रोसेस के अंदर हमारे 3-4 क्वेश्चन हैं जो हर बार बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। यदि मैं रेस्पिरेशन की बात कर लूँ, ह्यूमन हार्ट की बात कर लूँ, या एक्सक्रिएशन की बात कर लूँ, तो ये बच्चों ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। तो ये हमारा 80/20 रूल फॉलो होता है। तो यार जब आप पढ़ने बैठते हो तो इन इंपॉर्टेंट चैप्टर को, इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपने सबसे पहले पढ़ना है, क्योंकि जब आपके 80% 100 हो जाएंगे, 80% आपके जब कवर अप हो जाएंगे, तो 20% के लिए आपको पूरी बुक्स पढ़नी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपने 80% को आपने कवर अप कर लेना है इन 3 मंथ्स के अंदर। तो ये टॉपिक्स आपने छोड़ने नहीं है। क्लियर कट हो गया? तो बच्चों इनको फॉलो करते आपने निकलना है आगे। उसके बाद सुपर रिविजन कोर्स प्लस टेलीग्राम चैनल। तो सबसे पहले मैं आप सभी के लिए सुपर रिविजन एक बैच लेके आने वाला हूँ। इस बैच के अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो भी लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों चैप्टर वाइज वो सब कराए जाएंगे। जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट नंबरिकल्स या फॉर्मूले हैं वो सब आपके लिए कराए जाएंगे। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर लीजिए, इन सब का लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ पर मैं हैंड रिटन नोट्स भी आप सभी के लिए प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि ये हैंड रिटन नोट्स पढ़कर आपको काफ़ी कुछ आनंद आने वाला है, और ये आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। क्योंकि मैं
सभी चैप्टर के आपके लिए हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, तो उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो बच्चों वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों देखिए कि जो हमारे पास केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, तो ये हमारे तीन पैटर्न हैं। तो इन तीन पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जो केमिस्ट्री हमारी 26 की आएगी, बायोलॉजी हमारी 27 और 28 की आने वाली है, फिजिक्स भी हमारी 27 और 28 की आने वाली है। तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी को आपने किस तरीके से पढ़ना है और क्या रियलिटी में केमिस्ट्री, देखो ऐसा होता है कि कई बच्चों को केमिस्ट्री मुश्किल लगती होगी, कईयों को फिजिक्स मुश्किल लगती होगी, कईयों को बायोलॉजी। तो बच्चों सबसे पहले मैं क्लियर कट कर दूँ आप सभी के लिए, जो हमारा बोर्ड एग्जाम्स है वो बहुत मॉडरेट वे में होता है, बहुत आसान वे में आता है। तो काफ़ी बच्चे डरते हैं कि यार रियलिटी में पता नहीं बोर्ड एग्जाम्स कैसे होते होंगे। बोर्ड एग्जाम्स बच्चों आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स की तुलना में बहुत आसान होते हैं। तो सबसे पहले आपने केमिस्ट्री को पढ़ना है, और केमिस्ट्री भी हमारे पास 70% सिलेबस है, क्योंकि काफ़ी कुछ रिड्यूस हो चुका है। चैप्टर हमारा फर्स्ट केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसके बाद मेटल एंड नॉन मेटल, उसके बाद कार्बोनेट्स कंपाउंड एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इन चैप्टरों के अंदर आपने सबसे ज्यादा मेन महत्व किसको देना है कि केमिस्ट्री के अंदर जब बच्चों आप करने बैठते हो तो एनसीईआरटी क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद एक पेन और पेंसिल आपके पास और एक कॉपी होनी जरूरी है। जब भी आप कोई भी केमिकल रिएक्शन पढ़ते हो यार, तो उसको लिख के रिटर्न में प्रैक्टिस कीजिए। देखो मैं कई बार देखता हूँ, काफ़ी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, यूट्यूब चैनल पर भी जुड़े हुए हैं, कोचिंग सेंटर पे भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो काफ़ी बच्चे क्या प्रॉब्लम करते हैं, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन आपने लिखी जैसे C+O2, तो क्या है इक्वल का साइन लगा देते हैं। इक्वल का साइन नहीं लगाना बच्चों, जब भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो आपने किसका साइन लगाना है, एक एरो का साइन लगाना है, गिव्स अस का। तो ऐसे गलती मत करना, और ये गलती आपकी कब सुधरेगी, जब आप खुद रिटर्न प्रैक्टिस करोगे। तो केमिस्ट्री के अंदर जितनी भी आपकी केमिकल रिएक्शंस है बच्चों, वन बाय वन चैप्टर वाइज सभी आपको लर्न होनी चाहिए विद डेफिनेशन के साथ। सबसे बड़ी खास बात क्या होती है केमिस्ट्री के अंदर, कि जब आप केमिकल रिएक्शन लिख देते हो तो उसकी डेफिनेशन वहीं से बन जाती है। तो ऐसे आपने प्रिपरेशन करनी है अपनी केमिस्ट्री के अंदर। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने पहले भी अपलोड कर दिया अपने यूट्यूब चैनल पर और आगे भी हेल्प करूंगा, तो सबसे पहले लिख के प्रैक्टिस कीजिए बच्चों केमिस्ट्री को। उसके बाद बायोलॉजी की बात करूं, तो बायोलॉजी में मैंने पहले भी बताया था आप सभी को कि हमारे पास बायोलॉजी के अंदर सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स होते हैं, और इन इंपॉर्टेंट डायग्राम के बेस पे ही हम क्वेश्चनिंग की एक्सप्लेनेशन करते हैं। जब तक आप डायग्राम नहीं बनाओगे, और वो मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल पर बच्चों, मैंने बताया था मैक्सिमम हमारे पास अब की बार 12 इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, और इन डायग्राम्स के अंदर से ही आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे यार रियलिटी में। मैं 100% आप सभी के लिए इतनी मेहनत करने वाला हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चंस मिस ना हो बच्चों। तो सबसे पहले इन 12 डायग्राम्स को बार बार देख के यार, देख के बना लो प्लीज, बनाओ जरूर। एक बार बनाओगे, दो बार बनाओगे, तीन बार बनाओगे, तो उसके बाद आपको हैबिचुअल हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि डायग्राम में रियलिटी में क्या गिवन है। तो सारे डायग्राम्स को आपने रिटर्न में बना के देखना है, चाहे बुक्स में से देखें, पर उसके बाद जैसे ही आप 1, 2, 3, 4 बार बनाओगे बच्चों, आपको पता लग जाएगा। और जो मैं बात कर रहा हूँ, आप फिर आपकी एक्सप्लेनेशन आपने क्लियरिफाई कर लेनी है, आपकी जो भी बायोलॉजी के अंदर जो भी आपको चैप्टर है, लाइफ प्रोसेस की बात कर लें या रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर की बात कर लें, हेरिडिटी की बात कर लें या और इन्वायरमेंट की बात कर लें, तो ये 4 चैप्टर रहने वाले हैं बच्चों, और इनको आपने सारा लर्न करना है और मैक्सिमम टाइम दे के, क्योंकि अभी तक आपने टाइम टेबल नहीं बनाया, तो एक अच्छा सा टाइम टेबल बना लें यार। कुछ बच्चे देखो नाइट भी पढ़ना पसंद करते होंगे, और कुछ बच्चे रात को नहीं पढ़ना पसंद करते, वो ड्यूरिंग द डे टाइम पढ़ना पसंद करते हैं। अब जो बच्चे नाइट में पढ़ना पसंद करते हैं यार, देखो ऐसा नहीं है कि आप भाई बुक सामने रखी है और आप कहीं ख्यालों में सोए हुए हो, मोबाइल्स में लगे हुए हो, ऐसे नहीं करना बेटा। आप कंसंट्रेशन के साथ आप दिल से पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, और इस समय को यूटिलाइज करते हुए हमने अपने अच्छे मार्क्स लेके आने अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। सिर्फ मन के अंदर एक ही चीज़ डालनी है आपने कि भाई हब मैंने रियलिटी में एग्जाम्स में टॉप करना है, और वो रियलिटी में आप लास्ट 3 मंथ्स के अंदर टॉप कर सकते हो। ये पॉजिटिवली आपको बात बता रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चे फॉलो करते हैं यार, आप पिछला एग्जाम्स पैटर्न उठा के देख सकते हैं, जिन बच्चों को मैंने लास्ट 3 मंथ्स के बारे में बताया था कि आप बेटा ऐसे पढ़ना है, टाइम टेबल आपने चूज करना है, अपना खुद का टाइम टेबल होना चाहिए। पर मैं ये कहता हूँ कि हर एक सब्जेक्ट को एटलीस्ट आपने 2 आवर्स पर डे देना होगा भाई, चाहे आप स्कूल में जाएं, आप कोचिंग सेंटर पे जाएं या ऑनलाइन स्टडी करें, पर फिर भी जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। तो सेल्फ स्टडीज अ मस्ट इम्पॉर्टेंट, और उसके साथ साथ रिटर्न प्रैक्टिस। तो बच्चों मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा, केमिस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शन लिख लिख के प्रैक्टिस करो, बायोलॉजी के अंदर बच्चों आपके जितने भी डायग्राम्स हैं सबसे पहले उनको बनाओ, उसके बाद जो फिजिक्स है हमारी,
फिजिक्स के अंदर हमारे पास न्यूमेरिकल आते हैं, तो न्यूमेरिकल से पहले आपके जो भी फार्मूले हैं, चाहे लाइट वाले चैप्टर की बात करें या इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर की बात करें या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, तो इन चैप्टरों के अंदर जितने भी फार्मूले हैं सबसे पहले उनके आपने बुलेट चिट नोट बना लेने हैं। तो क्या करना है कि जितने भी फार्मूले हैं बच्चों उनके एक नोट्स होने चाहिए आपके पास, आपको पता होना चाहिए कि क्या का फार्मूला रहने वाला है, उसके बेस पर आपको कॉन्सेप्ट ईजी हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट उसके बाद क्या होगा, आपके न्यूमेरिकल्स निकलेंगे। तो फिजिक्स के अंदर सबसे पहले फॉर्मूले, आफ्टर दैट आपके कॉन्सेप्ट, उसके बाद आपके न्यूमेरिकल, ताकि आपके न्यूमेरिकल सोल्व करने में आपको आसानी हो जाए। उसके बाद बच्चों बात करते हैं, देखो मैं सबके लिए आपके लिए लेके आने वाला हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैंपल पेपर, तो काफी कुछ सोल्व कराएंगे आपको, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी कि किस चैप्टर के अंदर से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर के अंदर हर बार आए हैं, तो वो क्वेश्चंस की सारी वीडियो में आप सभी के लिए लेके आने वाला हूँ इन लास्ट के जो हमारे पास 3 months है। तो मेरे साथ ज्वाइन हो जाए सभी, क्योंकि आपके लिए सारा कुछ प्रयोग कोस्ट रहने वाला है आपकी हेल्प के लिए। सैंपल पेपर आपको कराए जाएंगे, सैंपल पेपर के क्वेश्चनिंग कराए जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनिंग कराए जाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सबकी वीडियो आप सभी के लिए आएगी बच्चों। तो सबसे पहले जिन बच्चों का अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ भाई, प्लीज जल्दी से, मेरा आप सभी से यही निवेदन रहेगा, तो अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले, अपने चैप्टर को कंप्लीट कर ले। और वन शॉट वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, तो वन शॉट वीडियोस चैप्टर वाइज जरूर देखें। उससे क्या होगा कि आपको पता लगेगा कि इस चैप्टर में रियलिटी में क्या गिवन है। उसके बाद आपने एनसीईआरटी बुक पढ़नी है और एनसीईआरटी को बिल्कुल डीपली जाना है यार, ऐसा नहीं कि आप एनसीईआरटी बुक आ गई सामने रखिए, नहीं, एनसीईआरटी को फर्स्ट चैप्टर उठा लीजिए, उसके अंदर सारी अंडरस्टैंडिंग कि क्या इसमें गिवन है। उसके बाद पेंसिल के साथ या कोई भी हेडलाइटर होता है यार, उसके साथ अंडरलाइन जरूर कीजिए, ताकि पता लगे कि कहाँ पर क्या डेफिनेशन गिवन है आपको, किस प्रकार का यहाँ क्वेश्चनिंग पुट किया गया है। तो ऐसे आपने कंप्लीट करना है सभी चैप्टर को अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर से। उसके बाद बच्चों एनसीईआरटी नोट्स जिन बच्चों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किए, मैं आप सभी के लिए बना के मैंने डाउनलोड कर दिए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, तो वहां से सभी डाउनलोड कर सकते हैं। और बच्चों वो हैंड रिटन नोट्स मैंने बहुत मेहनत से आप सभी के लिए बनाए हैं, और रियलिटी में यार जब वो नोट्स आप पढ़ोगे तो बोर्ड एग्जाम्स में 95 लेके आओगे, ये मेरा तसल्ली से मैं आप सभी को एक पॉजिटिवली बात बता रहा हूँ, कोई ऐसी हवाबाजी नहीं है ये। और नोट्स आप सभी के लिए बहुत मेहनत से बनाए गए हैं और बहुत जेन्युइन नोट्स हैं, बहुत एक्सपीरियंस उनके अंदर थोपा गया है, तो प्लस उनके अंदर एक सिंपल लैंग्वेज आपको मिलेगी, तो उन सभी हैंड रिटन नोट्स को आपने डाउनलोड करना है, उन नोट्स को भी आपने पढ़ना है, क्योंकि उनके अंदर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चैप्टर की सभी गिवन है, जिस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो वो आपको सब कुछ वहां पर मिलेगा। उसके बाद देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो प्रीवियस ईयर के हैं, मैं उनकी वीडियो भी अपलोड कर चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, तो जिन बच्चों ने अभी तक उनको देखा भी नहीं है तो उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चों, जल्दी देख लेना डिस्क्रिप्शन के अंदर। उसके बाद कुछ क्वेश्चन कैसे होते हैं, देखो भाई आजकल सैंपल पेपर चले हुए हैं मार्केट के अंदर, काफी बेस्ट सैंपल पेपर हैं, जैसे अरिहंत का सैंपल पेपर हो गया, कोई और डिफरेंट हो गया, ओसवाल का हो गया, तो अच्छे सैंपल पेपर हैं सारे, 100% सक्सेस वाला भी, तो कोई भी एक सैंपल पेपर परचेज कर लें, और उस सैंपल पेपर के आपने आपको एक तो क्या पता लगेगा, पैटर्न का पता लगेगा, एंड आफ्टर दैट उसके अंदर जो क्वेश्चनिंग दी होगी वो क्वेश्चनिंग को आपने सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि देखो सिलेबस ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स का क्लियर हो चुका होगा। अब इसको अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल, अब देखो आपने एक बेस्ट सा टाइम टेबल बनाना है, एक थोड़ा डिस्ट्रैक्शन से बचना है, क्योंकि एक को देखो कुछ रूमर फैला देते हैं कि भाई बोर्ड एग्जाम्स पता नहीं कितने मुश्किल आते हैं, स्टडी में मन नहीं लग रहा, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, थोड़ी सी कंसंट्रेशन आपने बनानी है, एक अपना बेस्ट टाइम टेबल चूज करना है, चाहे आप नाइट का कीजिए चाहे आप मॉर्निंग का कीजिए, और जो मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ बच्चों के लिए वो मॉर्निंग टाइम प्रेफर करता हूँ, क्योंकि जो भी हमारे पास हार्ड टॉपिक्स होते हैं वो सबसे पहले हमने मॉर्निंग सेशन में उठाने होते हैं, क्योंकि हमारा माइंड काफ़ी फ्रेश होता है उस टाइम। और मैक्सिमम आपके पास जब आप पढ़ने बैठते हो बच्चों 40 मिनट का मैक्सिमम आपका सेशन होना चाहिए, ओनली 40 मिनट्स का आपने, जैसा कि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो यार, तो 40 मिनट्स ही आपने पढ़ना है, 40 मिनट्स के बाद आपने 10-20 मिनट्स आपको ब्रेक देना है, उसके बाद फिर 40 मिनट्स का, जैसे लेक्चर होते हैं स्कूल के अंदर भाई 40 मिनट्स का हमारा पीरियड होता है, तो 40 मिनट के अकॉर्डिंग ही आपने स्टडी करनी है, उससे क्या होता है कि आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा और आपका मन भी स्टडी के अंदर लगेगा, तो 40 मिनट सेशन को आपने अपनाना है। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन,
देखो काफ़ी बच्चे कहते हैं कि सर कंसंट्रेशन कैसे बनाएं, लास्ट 3 मंथ्स है। देखो बच्चों क्या होता है कि जब तक आप यार एक एजुकेशन से हंगरी नहीं होंगे, एजुकेशन के बारे में सोचेंगे नहीं, तब तक आप स्टडी नहीं कर पाओगे रियलिटी में। तो थोड़ा सा मन के अंदर ये लेके आए यार अब तो बोर्ड एग्जाम्स आ चुके हैं, एक ऐसी स्थिति बन चुकी है, करो या मरो। अब इस स्थिति को हमने क्या करना है, एक बेस्ट वे में डालना है। कैसी हमने बोर्ड एग्जाम्स में ले आ सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपने एक चीज़ को हटा देना है कि डिस्ट्रैक्शन, कि भाई मैं बोर्ड एग्जाम्स में 95 नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकते भाई, क्योंकि आप भी तो एक ह्यूमन बींग्स हो और जो लेने वाले होते हैं वो भी ह्यूमन बींग्स होते हैं। सिर्फ फर्क इतना है आप कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ते, वो बच्चे थोड़ी मेहनत कर ज़्यादा करते हैं, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करते हैं। तो बच्चों आपने स्मार्ट वर्क भी करना है यार, मन के अंदर थोड़ा सोचिए कि भाई हाँ आज से मैंने पढ़ना है और अकॉर्डिंग टू दिस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। तो बच्चों फिर देखना आप रियलिटी में बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ले जाओगे। तो भाई आज आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। तो मेरे साथ जुड़िए और आपकी सबकी बहुत अच्छी मेहनत कराने वाला हूँ। काफ़ी कुछ वीडियोस मैं आप सभी के लिए अपलोड कर चुका हूँ, तो उन वीडियोस को देखिए। और प्लस जो भी बच्चों की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके मुझे बता सकते हैं कि सर मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो वो आपकी टॉपिक की प्रॉब्लम्स भी क्लियर की जाएगी। तो बच्चों बहुत मेहनत से पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। तो एक अपना बेस्ट टाइम टेबल बना लें और मॉर्निंग सेशन सबसे बेस्ट है, और एनसीईआरटी बुक को पढ़ना है मैक्सिमम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, और जो हमारा मेन मोटिव रहेगा लर्न मोर एंड रिटर्न प्रैक्टिस, दैट्स द 2 पॉइंट यू हैव टू कवर अप इन दिस टॉपिक्स। तो ये टॉपिक्स आपने कवर करने पड़ेंगे इन लास्ट 3 मंथ्स के अंदर। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।